डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसीए ऑनलाइन पाठशाला। अब हम एक नया क्वेश्चन सोल्व करते हैं और देखिए, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा ए की पावर एक बटा एक्स बराबर बी की पावर एक बटा वाई बराबर सी की पावर एक बटा जेड, तब एक्स वाई जेड होगा एपी में, जीपी में, एचपी में या नन ऑफ दीज। देखिए, अभी आपने जी एच पी पढ़ा नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, सबसे पहले देखो जो लाइन बोली है उस पर आप सीधा पहुंच जाओ। ए बी सी मैं सीधा लिखता हूँ आर इन जी पी, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो अभी आपको मैंने बताया हुआ है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है और आप इसे नंबर एक डाल दो। अब उसके बाद देखो, ए की पावर एक बटे एक्स बराबर बी की पावर एक बटे वाई बराबर सी की पावर एक बटे जेड बराबर। देखो, आपको क्वेश्चन में दिया है इतना। अब मैं आपको व्यवहारिक तरीके में इस क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ। जैसे एक पिता है, उसके तीन बेटे हैं और उसकी प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होता है तो तीनों पुत्रों को बराबर मिलता है, लेकिन वो किस अमाउंट में मिलेगा ये तो फिक्स होगा ना। तो हमने बोला कि ए की पावर वन अपॉन एक्स, बी की पावर वन अपॉन वाई, सी की पावर वन अपॉन जेड, तीनों इक्वल हैं, लेकिन ये तीनों इक्वल किसी एक अमाउंट के तो होंगे ना, और उस अमाउंट को हमने बोल दिया किसके, के। और ये हमने अपनी तरफ से क्या किया है, माना है। अब देखो क्या बनेगा, ए की पावर एक बटे एक्स बराबर लेके कंप्लीट है। मैंने कहा कि एक पिता है, उसके तीन पुत्र हैं और प्रत्येक पुत्र को बराबर प्रॉपर्टी मिली है, तो पहले पुत्र को ऐसे लिख दिया, फिर दूसरे के बारे में भी मैंने ऐसे लिख दिया, समझ में आ गया होगा, और तीसरे के बारे में ऐसा लिख दिया। अब उसके बाद देखो, इसके बाद अगली लाइन को ध्यान से देखना। जैसे आप लिखते हो एक्स इक्वल टू रूट टू या एक्स इक्वल टू टू की पावर एक बटा दो, अब आप क्या करते हो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और दो की घात एक बटा दो का स्क्वायर करोगे तो दो से दो कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्रॉस में हमेशा जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से आपको टू मिलने वाला है। तो यही चीज मैं यहाँ सिखा रहा हूँ कि दोनों तरफ आप घात क्या ले लो, एक्स, तो एक बटे एक्स की घात एक्स बराबर में के की पावर एक्स, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स कटेगा तो यहाँ पर ए मिलेगा और वो किसके बराबर आएगा, के की पावर एक्स के। ऐसे ही देखो, यहाँ बी किसके बराबर आएगा, के की पावर वाई के, और यहाँ सी किसके बराबर आएगा, के की पावर जेड के। एक बार आप इसको दोबारा से समझ लो, देखो ध्यान से, ए की पावर एक बटा एक्स है और मैं इसके अगर पावर एक्स लगाता हूँ तो ये क्या होगा, एक बटे एक्स गुणा एक्स, तो इस एक्स से ही एक्स कट गया तो आपको क्या मिलेगा, ए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो अब उसके बाद देखिए, आपके पास ए का मान आ गया, ए का मान क्या आया, ए बराबर के की पावर एक्स। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने दोनों तरफ वाई घात में ले लिया, यहाँ दोनों तरफ क्या लिया है, जेड को घात में लिया है। तो ए बी सी के जो मान आए हैं उनको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में रखेंगे। अब लिख दो आप नौ, यानी अब ए बी सी के मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर मतलब देखो मैं लिखता हूं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो के की पावर वाई का स्क्वायर कर दो, b का वैल्यू क्या है, k की पावर y, और इसका स्क्वायर किया तो k की पावर y का स्क्वायर, और यहाँ पर a का मान क्या आया है, देखो a का मान क्या आया है, k की पावर x, और c का मान क्या है, k की पावर z, तो k की पावर x डॉट k की पावर z, और ये मल्टीप्लाई होता है, आपको भी बताया है, k की पावर 2y इक्वल टू k की पावर, आधार समान घातें जुड़ जाती हैं ये लो। अब देखो, आधार समान है तो घात भी समान होगी, तो क्या होगा, टू की पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस जेड। ये क्यों आया, इसके बारे में हल्का सा सुन लो, ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई अगर कहीं भी आपको दिखाई दे तो इसका मतलब है एक्स बराबर वाई होगा,
ये प्रॉपर्टी आपको घातांक एवं कर्ली चैप्टर में आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, तो k की पावर 2y इक्वल टू k की पावर x प्लस z है, आधार समान है तो घाते क्या होंगी, बराबर होंगी, तो 2y इक्वल टू x प्लस z। अब देखो, ध्यान दो, अब मैं एक मिनट के लिए कहता हूं कि x y z आर इन ए पी। अब इसको मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको मैंने लिखवाया था ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो आपने लिखा था 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और यहां क्या हुआ, x y z समांतर श्रेणी में है, तो मिड टर्म का डबल हुआ कि नहीं हुआ, 2y, और पहले और लास्ट टर्म को जब आपने जोड़ा है तो x प्लस z, यानी कि x y z समांतर श्रेणी में है तो क्या लिखोगे, 2y इक्वल टू x प्लस z। अगर यही पी क्यू आर होता तो क्या मिलता, 2q इक्वल टू p प्लस r। ऐसे ही ए बी सी होता तो क्या लिखते, ए बी सी, तो 2b इक्वल टू a प्लस c। तो ये किस में हुआ, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ये चीज ध्यान रखना कि समांतर श्रेणी में मध्य पद का दुगुना प्रथम व अंतिम पद के बराबर होता है, और वही हमने किया है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ए। यदि x इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, तब y बराबर है, और वो किसके है, x अपॉन x माइनस वन, b है x अपॉन वन माइनस x, c है x माइनस वन अपॉन x, और d है वन माइनस x अपॉन x। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना, x इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, और ये आपके पास इन्फिनिटी तक गया है। अब ध्यान देना, एस इन्फिनिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है a अपॉन वन माइनस आर, ये चीज हमने आपको बता दिया, और वहां पे बोला, या आप ऐसे कह सकते हो, जहां a क्या है, प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है आपके पास, एक, और r क्या है, अब देखो r आप करो y अपॉन वन, तो ये क्या आया y, आप चेक करके भी देख सकते हो कि ये gp बनी भी कि नहीं, y अपॉन वन किया y, y स्क्वायर अपॉन y किया y, y क्यूब अपॉन y स्क्वायर किया तो भी y। याद रखना ठीक पिछला पद लेना है, ऐसे नहीं कि आप y स्क्वायर अपॉन वन कर रहे हो, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो यहां से आपने a का मान पता लगा लिया, r का भी मान आपके पास आ गया, अब तो केवल इसमें फॉर्मूले में रखो और आंसर लो। ध्यान दो, x इक्वल टू, अब मैं इन सब पदों का योगफल करता हूं वन से लेकर और आगे तक का, तो क्या होगा, इस सूत्र को यूज करो, a का मान क्या है, एक अपॉन वन माइनस वाई, a अपॉन वन माइनस r, यानी वन अपॉन वन माइनस वाई। अब इसको सोल्व कर लो, अब ये चीज आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, वजन गुणा करने पर तो क्या आएगा, यहां से इंप्लाइज x इंटू वन माइनस वाई इक्वल टू वन, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो x इंटू वन माइनस वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, वन। अब इसको सोल्व कर सकते हो, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू में वन, अब इसको सिंप्लीफाई करो, पक्षांतरण करो, x माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई, और मैंने आपको जैसा बता रखा है कि आप यू सौ सौ के नोट लो, और अगर आप उनको यू भी कर देते हो तो भी वो 100 के रहते हैं, तो आप x माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई है, तो आप इसको एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या हो गया, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। और ये आपने कौन से ऑप्शन से मैच किया है, सी ऑप्शन से मैच किया है, तो एक बार और देख लो, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ये गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग पर ज्ञात करने का सूत्र होता है। ए क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद का मान क्या है, एक, और आर क्या है, वाई अपॉन वन, यानी वाई। अब उसके बाद देखो, एक्स आपके पास एंटिटीज लेना है, इन सबका योगफल क्या आएगा, वो क्या होगा, इस सूत्र से पता लगेगा। ये सूत्र क्या है, a, a मतलब एक, और y, r का मतलब क्या है, y, यानी 1 माइनस r की जगह y लिख दिया, उसके बाद आपने वज्र गुणा किया है, वज्र गुणा में क्या हुआ, x into 1 माइनस y equal to 1। अब यहाँ से आप सोल्व करके, ये तो 10th क्लास में सीखा ही आपने, वहां से आपने इसको सोल्व किया और y की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1 अपॉन x। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है।